जून में जो जिस हिसाब से पर्यटक आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लग रहा उनके लिए कोई व्यवस्था है यहाँ पे। मनाली में जितनी पार्किंग है पेड पार्किंग है ना, कोई बड़ी पार्किंग का वो वहाँ पे नहीं कर पाए। आप सोलंग नाला जाइए, वहाँ पे शौचालय नहीं है, वहाँ पे इतना टूरिस्ट प्लेस है, नंबर वन पे है, वहाँ पे कोई पार्किंग स्थल नहीं है। तो जितने लोग बाहर से आते हैं बेचारे सुबह से शाम तक रोडों में सोए रहते हैं, इतना बड़ा ट्रैफिक लगता है। मनाली में ऐसी ट्रैफिक व्यवस्था जीरो पे है, और आप रोहतांग जाइए वहाँ पे पार्किंग नहीं है, शौचालय नहीं है। लोकल न्यूज ऑफ इंडिया गांव की गोद दिल्ली तक। मनाली टूरिज्म के लिए जाना जाता है, और ऐसे बर्फ वाले बढ़िया पहाड़ आपको देखने को मिलेंगे, और इसको देखने दुनिया भर से लोग यहां आते हैं, सैलानी आते हैं। एक साथी हैं जो मनाली के हैं, और इनको लगता है कि मनाली की सड़कों पर चलना थोड़ा खतरनाक हो गया है। क्या है दिल का दर्द? मेरा नाम डोला ठाकुर है, मैं स्थायी निवासी मनाली का ही हूँ। मेरी समस्या कुछ नहीं है, मैं तो ये देख रहा हूँ, मैं भी टूरिज्म से जुड़ा हूँ। मनाली में मई जून में जो जिस हिसाब से पर्यटक आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लग रहा उनके लिए कोई व्यवस्था है यहाँ पे। मनाली में जितनी पार्किंग है पेड पार्किंग है ना, कोई बड़ी पार्किंग का वो वहाँ पे नहीं कर पाए। आप सोलंग नाला जाइए, वहाँ पे शौचालय नहीं है, वहाँ पे इतना टूरिस्ट प्लेस है, नंबर वन पे है, वहाँ पे कोई पार्किंग स्थल नहीं है। तो जितने लोग बाहर से आते हैं बेचारे सुबह से शाम तक रोडों में सोए रहते हैं, इतना बड़ा ट्रैफिक लगता है। मनाली में ऐसी ट्रैफिक व्यवस्था जीरो पे है, और आप रोहतांग जाइए वहाँ पे पार्किंग नहीं है, शौचालय नहीं है। कैसे घूमने तो आ जाते हैं बेचारे, उनके लिए फैसिलिटी नहीं है। अब इस बारी हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो 12 तारीख को वोटिंग हो रही है, आप जरूर एक बार मनाली विधानसभा क्षेत्र में भुवनेश्वर गौड़ जी को वोट दे के उन्हें शिमला भेजे, और यहाँ की जो समस्या है वो हम सब मिल के उठाएंगे, और पर्यटन स्थल की एक अच्छे दृष्टिकोण में उसको विकसित करेंगे। अब गांव की सड़कें देखो, आप जाए कोई भी गांव में जाइए आप गड्ढे गड्ढे मिलेंगे, स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है। तो इस बारी आप मेरी अपील रहेगी कि आप लोग 12 तारीख को वोट कीजिए, और कांग्रेस पार्टी को इस बारी प्रदेश में लाइए, और सब हालात बदलेंगे। रिवाज नहीं बदलेगा, हालात बदलेंगे, जरूर बदलेंगे। ये बड़ी बात है कि हालात बदलेंगे। इसके 5 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी, तब भी हालात बदलने का कुछ तो प्रयास हुआ था, तब कैसा था और आज कैसा है? उस टाइम कांग्रेस की सरकार जरूर थी, लेकिन हमारे यहाँ से विधानसभा में नुमाइंदा नहीं था, हमारे विधायक नहीं थे, विधायक ही थे, ये मंत्री भी बने, विधायक भी बने, सब कुछ था। हमारा सरकार बनी तो आपको तो पता ही है कि मतलब जिस इलाके का नुमाइंदा होगा तभी काम होते हैं, तब भी हमारे काम किए, लेकिन जिस हिसाब से होने थे वो नहीं हो पाए। तो एनजीटी का टोल टैक्स भी है, सब कुछ है, इतना टैक्स जाता कहाँ है? अब देखिए ना, ग्रीन टैक्स बैरियल है आपका, नीचे रोड में जाए तो 4-5-6 जगह टैक्स है लगाया हुआ है, उसकी सुविधा ना टूरिस्ट को है ना आम लोगों को है। उस वो टैक्स का पता नहीं है क्या करते हैं, गेट भी एक पाइप लगा के रखा हुआ है, कोई आते ही कोई वो वहाँ पे सुविधा नहीं है। फिर बोलते हैं कि हम लोग वोट मांग रहे, किस बार पे वोट देंगे इन लोगों को? मई जून में आइए आप, जब भी आए बर्फ में देखिए, बर्फ हटाते हटाते उनको टाइम लगता है, तब जहाँ मर्जी वहाँ बैरियल गार रख देते कि आज ये हो रहा है। अगर व्यवस्था होती तो मनाली जैसी टूरिस्ट प्लेस सोलंग तक, तो मेरे को ये रोड बिल्कुल साफ सुथरा रहना चाहिए, और सब ट्रैफिक से भी सब कुछ। लेकिन इस बारी हमें लग रहा है कि हम इस बारी जो हमारे भुवनेश्वर गौड़ जी आएंगे तो हम इसका समाधान जरूर करेंगे। ये उम्मीद है डोला राम जी की, अपनी बात लोग सुनेंगे, लेकिन ट्रैफिक की समस्या से निजात हर सैलानी भी चाहता है, शौचालय की व्यवस्था हर सैलानी की उम्मीद है, क्योंकि वो महंगा पैसा खर्च करता है, सुख सुविधा पे आपको पैसा देने आता है। सवाल एनजीटी पर है, सवाल ग्रीन टैक्स बैरियर पर है, कि क्या यह पैसा एक शौचालय नहीं बना सकता? क्या यह पैसा पलचान और बाकी इलाकों में पड़े हुए कूड़ों को गायब नहीं कर सकता? और अगर नहीं कर सकता तो हम सैलानियों को इनको टैक्स देना क्यों है? देखते रहिए, जुड़े रहिए लोकल न्यूज ऑफ इंडिया के साथ गांव की गोद दिल्ली तक।